हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिम्स ऑफिशियल। आई स्वाति राजपूत, योर एसएससी टीचर। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर ज्योग्राफी चैप्टर 3, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द टॉपिक पावर रिसोर्सेस। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस फर्स्ट कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो डियर ऑल, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल। स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल प्रेजेंट स्मार्ट इंडियन एडुफन क्लासेस। एडुफन ऑनलाइन क्लासेस इंक्लूड कोर्स स्टडीज ऑफ प्ले ग्रुप टू क्लास 12, इमोशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, हैप्पीनेस क्लासेस एंड DIY एक्टिविटीज। नाउ वी रीड नेक्स्ट कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, पेट्रोलियम। स्टूडेंट, पेट्रोलियम के बारे में आपने सभी ने सुना होगा, हम सभी जानते हैं पेट्रोल के बारे में। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्किकिंग बोथ बिगिन एज अ थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। देखिए स्टूडेंट, जिस पेट्रोल की वजह से आपकी जो कार है वो रन करती है, और इसी तरह से जो आपकी साइकिल है, आपकी साइकिल में जो ऑयल हम डालते हैं, यूज़ करते हैं अपनी साइकिल को स्मूथ बनाने के लिए, स्मूथ रनिंग के लिए, तो ये दोनों ही जो लिक्विड आते हैं, इन दोनों की ही जो ये जो लिक्विड लाए गए हैं या आते हैं, ये थिक ब्लैक लिक्विड से बनते हैं। ठीक है, एक गाढ़ा काले रंग का लिक्विड होता है जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफशोर एंड कोस्टल एरियाज। देखिए, ये जो पेट्रोल है ये मोस्टली हमारा पाया जाता है जो रॉक्स की लेयर्स होती हैं, और इसको ड्रिल किया जाता है ऑयल फील्ड से, मतलब जिन एरिया में ऑयल अवेलेबल होता है वहाँ से इनको ड्रिल्ड किया जाता है, निकाला जाता है। लाइक जो कोस्टल एरियाज होते हैं, यानी कि जो समुद्री एरिया होते हैं, उसके आसपास वाले एरिया में हमें ऑयल मिल जाता है। दिस इज़ देन सेंड टू रिफाइनरीज विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लाइक डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लिब्रिकेंट्स। देखिए, उसके बाद इसको जब वहाँ से ड्रिल कर लिया जाता है, तब इसको रिफाइन करने के लिए रिफाइनरी प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जिससे जो क्रूड ऑयल होता है, यानी कि जो एक तरह से हम कहेंगे कि एक बेकार जो ऑयल होता है, उसको निकाला जाता है और उसे जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे कि आपका डीजल है, पेट्रोल है, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक। ठीक है, तो ये सब चीज़ें प्रिपेयर किए जाते हैं। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एज दे आर वेरी वैल्यूएबल। देखिए, पेट्रोल और पेट्रोल से बने हुए जो भी उत्पाद होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उनको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, यानी कि काले सोने के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है। क्यों? द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरबिया एंड कतर। देखिए, ये बहुत वैल्यूएबल होता है। ठीक है, और जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनमें जो मेनली कंट्रीज़ हैं वो आपकी ईरान है, इराक है, USA है, सऊदी अरबिया है और कतर है। ठीक है, इसके अलावा जो और भी अदर मेजर प्रोड्यूसर हैं पेट्रोलियम के, वो है USA, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। ओके, द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया आर डिगबोई इन असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। और इसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में असम में डिगबोई है एक प्लेस, और बॉम्बे हाई है आपका मुंबई में, और आपका कृष्णा और गोदावरी रिवर्स डेल्टाज में जो एरिया है वहाँ पर पेट्रोल का जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में। नेचुरल गैस,
स्टूडेंट इट इज़ द नेक्स्ट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नेचुरल गैस, हम इसको प्राकृतिक गैस भी कहते हैं इन हिंदी लैंग्वेज. नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इट्स रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस. इट कैन बी यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल. रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस. देखिए स्टूडेंट, जो नेचुरल गैस है वो जब पेट्रोलियम को डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है, तो उसी के साथ उसी के क्रूड ऑयल के साथ जो पेट्रोलियम में जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है, जो एक तरह से जो ख़राब ऑयल कहेंगे हम उसे, या फिर जो सबसे पहली फॉर्म जो होती है ऑयल की, उसमें जो रिलीज़ किया जाता है, उस टाइम ये जो गैस है वो निकलती है सरफेस से. इट कैन बी यूज्ड एज अ, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं हमारे डोमेस्टिक पर्पज़ में, यानी कि घर में घर के जो भी काम होते हैं उनमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं. और ये इंडस्ट्रियल फ्यूल के यूज़ में भी यूज़ किया जाता है नेचुरल गैस. और रशिया, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड कुछ मेज़र कंट्रीज़ हैं जो नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करती है. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और भी कुछ एरिया है मुंबई के जो कोस्टल एरिया है उसके पास के, जहाँ पे नेचुरल गैस को प्रोड्यूस किया जाता है. वेरी फ्यू कंट्री इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व फॉर ऑफ देयर ओन, बट कुछ ही कंट्री वर्ल्ड में ऐसी हैं जिनके पास नेचुरल गैस के बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं, यानी कि उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में नेचुरल गैस का भंडार है. ओके, लास्ट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज हाइडल पावर. हाइडल पावर इट मीन्स स्टूडेंट, जब हम वाटर को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो हम उसको हाइडल पावर बोलते हैं. ओके, रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इट मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट. द फॉलिंग वाटर फ्लो थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम. द मूविंग ब्लेड्स दैन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज कॉल्ड द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. देखिए स्टूडेंट, जो रेन वाटर होता है यानी कि बारिश का जो पानी होता है, और जो रिवर वाटर होता है, कई बार क्या किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है डैम्स में, जो बहुत ऊंचाई से वाटर को गिराते हैं, मतलब पानी गिरता है बहुत ऊपर से डैम से. तो ये जो फॉलिंग वाटर होता है इसको डैम के अंदर ही पाइप से ये बहता है, और ये वाटर फिर टर्बाइन के ऊपर गिरता है. देखिए हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये टर्बाइन बनी हुई है, तो इन टर्बाइन्स पर ये वाटर यहाँ से गिरता है. उसके बाद और इन टर्बाइन्स के थ्रू जो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से हम जानते हैं. द वाटर डिस्चार्ज ऑफन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन. और जो वाटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद डिस्चार्ज किया जाता है, यानी कि जो बचता है, उस वाटर को यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए. इरिगेशन यानी कि खेतों वगैरह में जो पानी दिया जाता है, सिंचाई की जाती है, उसके लिए यूज़ किया जाता है. वन फोर्थ ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द हाइडल पावर. वर्ल्ड की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, उसका जो 1/4 हिस्सा है वो हाइडल पावर के थ्रू जनरेट किया जाता है. द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना. देखिए सबसे ज़्यादा जो हाइडल पावर को जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें है पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन. सम इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया आर भांगड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट. अगर इंडिया की बात करें हम, तो इंडिया में भी कुछ हाइडल पावर स्टेशन हैं, जिसमें भांगड़ा नांगल है, गांधी सागर है, नागार्जुन सागर है और दामोदर वैली प्रोजेक्ट है.
तो स्टूडेंट ये थे हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।